वो स्लो मोशन सही और नहीं होगा। जी, वाइल्ड लाइफ एसोस की बात करें तो ये सन 2010 से मथुरा में हाथियों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। यहाँ पर जो भी हाथी आते हैं वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं मेनली। तो जो भी पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति के आधार पर हाथी जहाँ पर आते हैं उनमें जो भी बीमारियाँ रहती हैं, जिस तरीके की उनको लोग टॉर्चर करते हैं, उनका खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, वो सब यहाँ पर हाथी हमारे वेटरनरी टीम के द्वारा ट्रीटमेंट किए जाते हैं। कुछ हाथियों के हमारे पास ऐसे हैं जिनको चलने में तकलीफ़ है, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कुछ को आँखों से दिखता नहीं है, कुछ बहुत कमज़ोर भी हैं। तो ऐसे सब हाथी हैं हमारे पास इस समय। 23 हाथी हमारे पास इस समय हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है। जी हाँ, जो हमने टोटल रेस्क्यू हाथी किए हैं उनमें से 5 हाथी स्वर्ग से धार गए हैं। उनको हमेशा याद रखने के लिए हम लोगों ने उनके एलिफेंट मेमोरियल की स्थापना करी है। और इसके कान देखिए आप, वो जो मैंने बताया ना, अंकुश वाला, अंकुश कान में घुसा घुसा के कान की शेप देखी कैसी हुई है। पूरे देश में जहाँ भी हाथी घायल हो जाता है, मरणासन्न हो जाता है या आवारा घूमता है, उसको पकड़ करके वहाँ रखा जाता है और उसका इलाज किया जाता है जब तक कि वो जिंदा रहता है। अपनी उम्र पूरे होने के बाद, मरने के बाद उसका वहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।